फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को जानना है, पढ़ना है, तो वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवेन इन। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो किस रीजन में दिया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लंबर रीजन, दूसरा है थोरेसिक एरिया, तीसरा है सर्वाइकल एरिया और चौथा है ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि लंबर एरिया। लंबर रीजन में हमारा L2 के पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड करता है, ठीक है। और L2 के बाद जो स्पेस है L5 तक जो हमारा रीजन है वहाँ पे आसानी से आप जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, लंबर और सैक्रल के S1 तक, ठीक है। सैक्रल जो हमारी होती है वर्टिब्री का बोन, उसका जो फर्स्ट वाला है वहाँ तक आप जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो L2 से लेके L5 तक कॉमनली जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है लंबर रीजन में। अब हमारा नेक्स्ट है, डोएंस रिट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर। तो रिट्रैक्टर्स बहुत तरह के होते हैं और उसमें आपका डोएंस रिट्रैक्टर आपने सुन रखा होगा। तो इसको किस चीज़ को, किस पार्ट को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, किस सर्जरी में? तो पहला है रिट्रैक्शन ऑफ आईलिड, यानी हमारे आँख में इतना बड़ा रिट्रैक्टर यूज होगा आपको लगता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। दूसरा है एब्डोमिनल सर्जरी, पेट के ऑपरेशन में थोड़ा बहुत चांस बनता है इसके लिए, आगे भी देखते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल रिमूवल सर्जरी में, तो इसमें भी चांस नहीं है डोएंस रिट्रैक्टर यूज करने का। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन, तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी में मेनली डोएंस रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैडर को और यूट्रस को रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एब्डोमिनल सर्जरी पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट में कौन सा नहीं होता है? तो पहला है सीजर, दूसरा है निडिल होल्डर, तीसरा है सर्जिकल ब्लेड और चौथा है सिम्स स्पेक्यूलम। तो यहाँ पे पहले तीन ऑप्शन तो सही हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो चौथा है सिम्स स्पेक्यूलम वो तो आपके मोस्टली गायनी में यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई रेक्टल रीजन की है सर्जरी तो उसमें भी मोस्टली जो है देखते हैं, चेक करते हैं। तो सिम्स स्पेक्यूलम जो है वो गायनी सर्जरी में मोस्टली यूज करते हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट में ये नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सिम्स स्पेक्यूलम और ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद लो ब्लड प्रेशर। किसी भी मरीज की BP कम है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बहुत कम है, यानी हाइपोटेंशन है, तो उसमें कौन सा इंडक्शन एजेंट इस्तेमाल करेंगे? पहला है प्रोपोफॉल, दूसरा है कीटामिन, तीसरा है थायोपेंटेन और चौथा है मिडाजोलम। राइट आंसर होगा कीटामिन, क्योंकि जो भी कार्डियक पेशेंट होते हैं ना तो मेनली उसमें कीटामिन बेस्ट माना जाता है। अब हमारा ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन एजेंट यूज्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। जो बच्चे होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, उसमें कौन सा इन्हेलेशनल एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, पहला है हेलोथेन, दूसरा है जेनोन, तीसरा है आइसोफ्लोरेन और चौथा है डेसफ्लोरेन। राइट आंसर होगा डेसफ्लोरेन और देखते हैं ये सही है या गलत। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, डेसफ्लोरेन कार्डियक पेशेंट में और पीडियाट्रिक पेशेंट में बेस्ट माना जाता है। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लेपेरोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है कि लेपेरोस्कोपिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है एक्सेप्शनल बताना है। इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें तीन तो होगा लेकिन एक नहीं होगा, तो कौन सा एक्सेप्शनल है वो बताना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लेपेरोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक, सबको छोड़ के कौन सा इसमें एक्सेप्शन है? पहला है सीजर, दूसरा है ब्रेडिकार्डिया, तीसरा है हाइपरकार्बिया और चौथा है हमारा एम्बोलिज्म। तो हाइपरकार्बिया, एम्बोलिज्म और ब्रेडिकार्डिया होगा नहीं, तो सीजर ही इसका राइट आंसर होगा। सीजर का मतलब होता है दौरे या झटके आना, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, एपिलेप्सी जस्ट एज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर लेपेरोस्कोपिक सर्जरी। जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, पेट को फुलाया जाता है, न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है एयर
और इसमें चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एयर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तीन गैस यूज नहीं होते हैं लैपेरोस्कोपिक सर्जरी में। मोस्टली यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने में यानी कि इन्फ्लेट करने में, पेट को फुलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इज, तो नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 1, 5, दूसरा ऑप्शन है 3, 6, तीसरा ऑप्शन है 3, 5, चौथा ऑप्शन है 2, 5, राइट आंसर होगा 3, 5। यहाँ पे देख लें तो जो ऑक्सीजन का होता है वो 2, 5 होता है, ठीक है, और जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का है वो 3, 5 होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही दोनों से पूछा जाता है। पिन इंडेक्स सबका याद कर लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। साइक्लोप्रोपेन का 3, 6 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 2, 6 हो जाएगा, और हमारा जो हीलियम होता है उसका 0 होता है, कोई भी उसका पिन इंडेक्स नहीं होता है, और नाइट्रोजन का देखें तो 1, 4 होगा। तो इस तरीके से ये सारे कुछ जो है हमारे पिन इंडेक्स सिस्टम होते हैं गैसेज के। तो इस तरीके से ये हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मे वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है समझने में, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।